हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बहुत सारे लोग कमेंट करके हमसे पूछ रहे थे कि भाई आप रूफ सीलिंग करते हो और ये थर्माकोल आप रूफ पे कैसे चिपकाते हो। तो आज हम बस इसी वीडियो का जवाब देने आए हैं। हमारे पास एक फेविकोल है और ये दूसरा रेसिबॉन्ड, और ये फेविकोल, इस चौथा हमारे पास ये ग्लूगन। इन सभी से हम टेस्ट करके देखने वाले कि सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ असरदार होता है, कौन सी चीज़ से हमारा थर्माकोल चिपक जाता है। तो टेस्टिंग चालू करते हैं। हमारे पास ये थर्माकोल है और ये रहा फेविक्विक। और मैं दुकान पे गया था, बोल रहा था भाई कि फेविक्विक देना कि जिससे थर्माकोल चिपक जाए। उसने यही दिया है, पर मुझे लगता नहीं इससे चिपक जाएगा। फिर भी हम लोग टेस्ट करते हैं। और ये मैं दो बूंद छुआता हूँ इस पर, और ये गिरने के बाद अब दूसरा, और कुछ देर वेट करते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। ओ नहीं, आप देख सकते हैं, ये दुकान वाले ने कहा था कि 100% गारंटी लेता हूँ इससे थर्माकोल चिपक जाएगा, पर ये नहीं, ये जल के ख़त्म हो जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता, कुछ लोग कमेंट नीचे किए थे कि इससे फेविक्विक से भी थर्माकोल चिपकाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है, इससे नहीं चिपकेगा। और जिन लोग भी कमेंट किए थे कि भाई फेविक्विक से भी ये चीज़ चिपक जाएगा थर्माकोल, तो आप देख सकते हैं इसका क्या हालत हुआ है। और पहला हमारा फेविक्विक तो फेल रहा, चलते हैं दूसरे से टेस्ट करते हैं। और ये दूसरे से हम टेस्ट करते हैं, ये रेसी बॉन्ड देख सकते हैं। और कुछ लोग कमेंट किए थे कि भाई इससे सबसे ज़्यादा लोग चिपकाते हैं, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये इससे शीशा वगैरह चिपकाते हैं, और जो लोग पीवीसी सीलिंग करते हैं उसको ये चिपकाया जाता है साइड में। ब्लैक कलर आता है, एक वाइट कलर। इसका दाम मिट गया है, करीब 150 रुपये में ये पड़ा था रेसी बॉन्ड। और मैं तो मना ही कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, मैं देखा हूँ इसका, और ये सही से काम नहीं करता है। कुछ देर बाद ये मतलब लटक जाता है, अगर आप पतरे में इसको लगाते हैं, कुछ रबड़ जैसा इसका होता है, और ये कुछ सूख करके इस तरह हो जाता है, आप देख सकते हैं। और मैं तो आप लोग को रिकमेंड करता हूँ कि आप कभी रेसी बॉन्ड ना यूज़ करें। और ये दूसरा भी हमारा फेल रहा पूरा का पूरा। और अब चलते हैं तीसरे टेस्टिंग के। और ये लकड़ी वाला फेविकोल है, देख सकते हैं, ये सफ़ेद कलर का होता है, और हम इसे टेस्ट करके देखने वाले हैं। ये रहा हमारा थर्माकोल, और हम इस पर ग्लू लगा लेते हैं और इसको चिपका के देखते हैं दोनों को। और ये कुछ चिपक गया है, और हमें लग रहा है कारगर है, बट अगर कुछ देर, अगर अभी इसको करीब आधा घंटा अगर छोड़ पाएँ तो इसे काम चल पाएगा, नहीं तो ये भी फ्लॉप है। अगर आप प्रोजेक्ट बन रहा है या छोटा घर जैसे आता है उसको बना सकते हैं तो ये काम कर जाएगा, नहीं तो आप सीलिंग में, मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप सीलिंग में इसको उपयोग ना करें। और किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको लगा सकते हैं फेविकोल, और ये लकड़ी में सबसे ज़्यादा काम आता है, तो इसको भी किनारे रखते हैं। और आखिरी नंबर पे हमारे पास आता है ग्लू गन, और 150 रुपये में इसका मशीन मिल जाएगा, और 10 रुपये में इसका स्टिक मिलता है, और इसे हम टेस्ट करने वाले हैं। और इसी से मैं थर्माकोल सीलिंग भी करता हूँ, इससे देख सकते हैं थर्माकोल है, और हमने प्लग में इसको लगा दिया पहले से ही, और ये पूरा गर्म हो चुका है। गर्म होने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से निकलेगा वाइट वाइट, कुछ लासे जैसा। तो ये मेरा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अभी जानते हैं आप लोग लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा बचा इसी से काम चला के दिखाता हूँ आपको। और ये बहुत कारगर साबित है, और इसे आप लोग चिपका भी सकते हैं। और देख सकते हैं ये निकल चुका है, और बस काम हो गया। और मैं तो कहता हूँ कि आप लोग इसी को यूज किया कीजिए, आप कितना भी ला लें बस वैसे ही रहेगा। और ये ग्लू गन से आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन और अच्छी तरह से चिपक गया है, ये टूट जाएगा पर उस जगह से नहीं छोड़ेगा, आप देख सकते हैं, और पूरा बस एक ही सेकंड में तुरंत चिपक लेता है। मैं तो आप लोग को रिकमेंड करूँगा, बस आप लोग ग्लू गन का यूज़ किया कीजिए अगर थर्माकोल सीलिंग आप लोग करते हैं, और इसे आप कहीं भी चिपका सकते हैं। और अभी तक जो लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बगल में रेड बेल आइकन होगा उसे भी दबा दें, और ताकि हमारा नया वीडियो जब भी आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। और लॉकडाउन था इसी वजह से पूरा सामान मिल नहीं पाया, नहीं तो हम आपको ऊपर
सीलिंग करके दिखाते। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और बस ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।